डिजिटल इंडिया के इस दौर में जिंदा होने का सबूत दे पा रहे हो तुम तो जिंदा हो तुम। कागजों में अगर अपना नाम लिए चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जी हाँ, कागजों में जिंदा होना हकीकत में जिंदा होने से कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर छोटी बड़ी जरूरत में कागजों में जिंदा रहना हर कदम पर आपके जिंदा होने का सबूत है। लेकिन क्या हो अगर किसी शख्स के जिंदा रहने के बावजूद उसे कागजों में मार दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां फाइलों में एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बुजुर्ग महिला खुद के जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। बुजुर्ग महिला कलेक्टर के दफ्तर में पहुंच गई और महिला खुद के जिंदा होने का सबूत दे रही है। अधिकारियों की मनमानी की शिकार हुई बुजुर्ग विधवा महिला ने डीएम अविनाश सिंह को अपनी मुश्किलें बताई और महिला को कागजों में मरने की सूचना मिलने पर डीएम भी हैरान रह गए और फौरन कार्यवाही का निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर महिला के वृद्धावस्था पेंशन की बहाली के लिए पत्र भी भेज दिया गया है। महिला को मृतक घोषित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की गई। दो अधिकारियों के खिलाफ निलंबन का पत्र भेज दिया गया है। इस तरह की लापरवाही फिर से ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो दर्शकों, अगर आपके साथ या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए प्रकाश टीवी के साथ।